कैरी विद्यार्थियों, आज हम नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें एक नया टॉपिक होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी पढ़ाई भी अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ रही है। चलो आज के हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में बतला देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रथम रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की किरण, ठीक है। इस कविता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन जो पंत है वो छायावाद के प्रमुख कवि है और प्रकृतिवादी भी कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इन्होंने अपने काव्य में अधिकतर प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखी है। प्रकृति के खुले आंगन में, प्रांगण में खुद को जिया है। क्यों? क्योंकि ये खुद कहाँ से है? उत्तराखंड से, जो कि आपको पता है कि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ प्रकृति ने अपने सभी रंग बिखेरे हैं। नदी, नाले, झरने, पहाड़, पर्वत, खार, घाटियां, सब चीजें हैं। और समय के अनुसार जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, आजकल तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति के, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और उन्होंने इसका अध्ययन, इसका चिंतन बड़े ही उपयोग पूर्वक किया। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति की गोद में पले हैं, उनको उस प्रकृति की महक को इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से महसूस किया है। इसलिए इनकी ज्यादातर जो रचनाएं हैं, काव्यगत जो रचनाएं हैं, जिसमें इन्होंने प्रकृति का खूब वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कवि परिचय में बता देता हूं। सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड हुआ। 1970 में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, बूढ़ा चांद, हार, युगपत और स्वर्ण किरण, ये इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने प्रकृति के हर रहस्य को जाना है। आज जो अपन कविता पढ़ रहे हैं प्रथम रश्मि, यह भी जो है इस कविता में भी रहस्यात्मक है। कवि यहाँ पर बतलाता है कि किस प्रकार सूर्य की किरण जो है, जैसे ही इस पृथ्वी पर
सूर्य की प्रथम किरण उतरती है तो प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, प्रकृति का हर वह कार्य वो स्वतः ही अपने आप अनवरत रूप से चलने लगे। जैसे ही निशा होती है उसके बाद प्रकृति का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव उस निशा की अंधेरे में निढाल होकर के सो जाता है। सारे कार्य, तमाम जो कार्य है वो उनको विराम लग जाता है और उसके बाद में सूर्य की वापस प्रथम किरण जब पृथ्वी पर गिरती है और उसके गिरने से जो नया, एक नया प्रकाश, एक नई उमंग, एक नया जो उस प्रकृति के अंदर वहाँ के निवासियों या प्रकृति के प्रत्येक जीव के ऊपर जब पड़ता है तो अनेक सारे कार्य वापस सुचारू रूप से चालू हो जाने लगते हैं। इस कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले जो स्वाभाविक परिवर्तन है, फूल खिलने लगते हैं, भंवरे बटराने लगते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, पक्षियों का आसमान में विचरण करना, मनुष्य का अपने कार्य की ओर अग्रसर होना, मतलब तमाम जो कार्य है, तमाम जो क्रियाएं हैं वो सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही शुरू हो जाते हैं और सूर्य के ढलने के बाद वो सारे तमाम कार्य जो है वो समाप्त हो जाते हैं और नई किरण आती है, नया प्रकाश आता है तो वापस वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कवि यहाँ पर ये बता रहे हैं ये जो परिवर्तन है ये किस प्रकार से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कोई जादू हो रहा है। तो कवि यहां पर यही बतलाना चाहता है कि ये रहस्य कैसा हो, किस प्रकार से हो, क्या प्रकृति ने, क्या सूर्य की प्रथम किरण ने कोई जादू किया है, इसी को बतलाने की कोशिश की है। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो इस कविता में दिया हुआ है कि कवि पूछ रहा है कि सूर्य की जैसी किरण, प्रथम किरण पृथ्वी के आंचल पर गिरती है तो सबसे पहले चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, तो कवि उन चिड़ियों से, उन पक्षियों से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि सूर्य की प्रथम किरण प्रस्फुटित हो रही है, उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, तुम सबसे पहले कैसे चहचहाने लगते हो, क्या कोई ऐसा जादू हो रहा है। कभी यहां पर चिड़ियाओं को, पक्षियों को संबोधित करते हुए कहता है, उससे पूछता है, प्रश्न पूछता है कि जब काली अंधियारी छा जाती है, प्रकृति का प्रत्येक जीव जो है स्वप्न निद्रा में खो जाता है तो किस प्रकार से एक नई सुबह, एक नई किरण जब पृथ्वी के पद पर बढ़ती है तो तुम्हें कैसे पता, इसका आवाज तुम्हें कैसे होता है, तुम सबसे पहले चहचहाने रखते हो, क्या तुम्हें कोई सूर्य की किरण जो है इंगित करती है या बतलाती है, ये ऐसा कैसा रहस्य है। उस रहस्य के बारे में ही यहां पर कवि ने बतलाया है। इसके बारे में हमने आपको बतलाया है, अपने पूर्व में भी ये पाठ पढ़ा था, तो इसकी एक कविता जो है वो हम देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से कवि यहां पर इस कविता के बारे में बतला रहा है। कवि यहां पर कह रहा है कि प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य व्यापार है वो चुपचाप चलते रहते हैं,
अनवरत रूप से और प्रकृति जो है वो अपने सौंदर्य को बढ़ाती हुई भी आगे की ओर अग्रसर होती है। तो कवि यहां पर कह रहे हैं कि ये कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रहस्य है या किसी का हाथ है, इसके बारे में भी कवि प्रश्न जो है वो पूछता है। और चिड़ियों से सबसे पहले जो पक्षी है उनसे सबसे पहले पूछता है। तो देखिए प्रथम लाइन जो है आपकी नोटबुक के अंदर उसमें यही दिया हुआ है, क्या है देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने यहां, सोई थी तू स्वप्न नींद में पंखों के सुख में छुपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से झूलूंगा। देखो यहां पर कवि प्रश्न पूछ रहा है उस नन्ही सी चिड़िया से, क्या कह रहा है कि प्रथम रश्मि का आना, प्रथम किरण का आना, हे रंगीनी तूने उसको कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने और कैसे कैसे तुमने अपने साथियों को पुकार करके बतलाया कि प्रथम रश्मि का प्रवेश हो गया है, ये तूने कैसे पहचाना, सोई हुई तू स्वप्न नींद में, तू तो सपनों की नींद में उन सपनों के घरों में घोंसलों में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर और अपने पंखों को समेट करके उन सुखों में छिपकर के सोई हुई थी और तेरे द्वार के ऊपर जुगनू है वो द्वारपाल बने हुए थे। अब मुझे ये बतला कि तूने कैसे पहचाना कि पृथ्वी पर प्रकाश हो रहा है, पृथ्वी पर प्रथम किरण का आगमन हो रहा है, ये तूने कैसे पहचाना, क्या सूर्य की प्रथम किरण ने तुम्हें बतलाया था। यही भाव यहां पर कवि ने जो है अपने भावों को प्रकट किया है और पूरी कविता के अंदर रहस्यात्मकता की भावना ओतप्रोत होती रहती है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कवि जो है अपने रहस्यों को अपनी जिज्ञासाओं को प्रकृति से ही प्रश्न पूछ करके उनको शांत करता है और बताता है कि यह जो प्रकृति है इसमें सारे जो कार्य है सारे कार्य व्यापार है वो चुपचाप रूप से अनवरत रूप से चलते रहते हैं और उनका आगमन प्रथम रश्मि के आने से शुरू होता है और सूर्य के अस्त होने के बाद सारे कार्य स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और फिर काली अंधियारी छा जाती है और चारों तरफ प्रकृति का हर जीव अपने स्वप्नों के नींद में खो जाता है और वापस दोबारा एक नई शुरुआत के साथ एक नई किरण के साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं। लगते ही है जैसे हम सुबह हुई तो हम सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, किसान अपने कार्य में लग जाता है ना, मजदूर जो है वो मजदूरी करने चला जाता है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने अपने कार्यों में लग जाता है और जैसे ही रात हुई तो हम वापस अपने घर की ओर लौट आते हैं। पक्षी भी जो होते हैं वो भी अपने घोंसलों की ओर लौटने के लिए आतुर होते हैं और वापस सुबह होते ही वो खुले आसमान में घूमते रहते हैं या अपने कार्य में लीन हो जाते हैं। यहीं पर कवि ने इस संदेश को हमें बतलाया है कि किस प्रकार से प्रकृति के सारे कार्य जो है वो चुपचाप अनवरत रूप से चलते रहते हैं। अब आप अपनी
नोटबुक निकालिए और उस नोटबुक में क्वेश्चन जो है उसको नोट करिए। इसमें आप लिखिए, नोटबुक निकालें, लिखें, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, एक दो बार परीक्षा में आया हुआ भी है तो हो सकता है ये इस बार पूछा जाए। लिखें, प्रथम रश्मि नाम कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, मूल भाव स्पष्ट कीजिए, या लिखें अथवा में प्रथम रश्मि कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार सुकुमार कवि है, कथन की व्याख्या कीजिए। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है। अब इसका उत्तर लिखें, सबसे पहले इसमें लिखें सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। उनकी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कविताएं, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कविताएं पल्लव शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित है। पल्लव शीर्षक मतलब ये पल्लव है ना, इसमें ज्यादातर संकलित है। पल्लव शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित है। पल्लव में उनका प्रकृति मोह और उसके विविध रूपों के प्रति आसक्तिवादी अनेक कविताएं हैं, अनेक कविताएं। अब फर्स्ट एडिटोरिया प्रथम रश्मि का भाव सौंदर्य, प्रथम रश्मि का भाव सौंदर्य। पंत जी ने प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति के कुछ विशेष रूपों का चित्रण किया है, प्रकृति के कुछ विशेष रूपों का चित्रण किया है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य की प्रथम किरण जब धरती पर पड़ती है तो संपूर्ण जड़ चेतन प्रकाश से आभासित हो जाता है, किंतु प्रकाश की पहली किरण आने की आहट मात्र से ही पक्षी जगत में हलचल हो जाती है। देखा हुआ आपने कि जैसे ही पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जब प्रथम किरण पड़ती है तो पक्षियों की चहचहाहट हमें आसमान में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। सभी पक्षी चारों ओर चहचहाने लगते हैं, है ना। इसमें लिखे आगे, वे कलरव करने लगते हैं। इस कविता में इसी परिदृश्य को सामने रखकर
कवि ने प्रकृति के अन्य इससे संबंधित सुंदर दृश्यों और उनके आंतरिक व बाह्य प्रभावों का चित्रण अपनी पूर्व कल्पना कोमलकांत पदावली के माध्यम से किया है नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें प्रकृति के प्रति जिज्ञासा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति के प्रति जिज्ञासा। इसमें लिखे डैश करके पंत जी ने बताया है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु रहस्य में है। प्रकृति के विविध रूपों और परिवर्तनों को देखकर उनके विषय में जानने की जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार से लेखक के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है, उसी प्रकार से आपने भी बोध किया होगा कि हमारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार से ये प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, आंधी का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बसंत ऋतु, ये कैसे, इनका परिवर्तन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इनके पीछे किसका हाथ है। तो ऐसी जो जिज्ञासाएं होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। और जब ये ऐसे परिवर्तन होते हैं तो प्रकृति अपना अलग अलग रूप दिखलाई अलग अलग रूपों में दिखलाई देती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसा, मुझे लगता है ऐसा विचार आता हो, वही विचार कवि के मन में भी आ रहा है और उनको जानने की कवि को जिज्ञासा होती है। तो आगे लिखे इसमें प्रकृति का सौंदर्य प्रत्येक हृदय में कौतूहल उत्पन्न करता है। कवि देखता है कि सूर्य की प्रथम रश्मि के पृथ्वी पर उतरने से पूर्व पक्षी चहचहाने लगते हैं, इसलिए कवि बाल विहंगनी से पूछता है और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न करता है, जो अपने पूर्व में पढ़ा था कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने हमरा। ये ऐसा प्रश्न जो है वो पूछती कवि की। यह भी आगे क्या कवि की यह भी उत्कंठा है कि ऐसा सुंदर गीत और प्रथम रश्मि के आगमन पर स्वागत का संगीत उसे किसने सिखाया। वह बाहर विहंगिनी से ऐसे रहस्य का उद्घाटन करने के लिए कहता है और वो कैसा होता है स्वागत, वो होता है कवि यहां पर कविता के माध्यम से बताता है कि कुकुटी सहसा तरुवासिनी गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, कि किस प्रकार से तूने अपना गायन है जो शुरू कर दिया और तुझे किसने बतलाया, क्या तू अंतर्यामिनी थी, स्वतः ही जान रही थी कि हाँ भी प्रथम रश्मि जो है वो आ रही है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, सूर्य की किरण
जो है वो पृथ्वी पर पड़ने वाली है, ये तुझे किसने बताया? तो ये कवि यहाँ पर बताता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, अपनी प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया, गहन चिंतन किया, उसको महसूस किया। तो इसमें लिखे कवि प्रकृति के प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने का प्रयत्न करता है, प्रकृति उसे जागृत चेतन स्वरूप में ज्ञात होती है, यह प्रकृति का मानवीयकरण ही है। मानवीयकरण, मानवीयकरण का मतलब क्या होता है? मानवीयकरण का मतलब होता है, वैसे यह अलंकार है, मानवीयकरण का मतलब होता है कि प्रकृति के तत्वों पर मनुष्य का भावों का आरोप हो जाना, मनुष्य के भावों का आरोप हो जाना, या उनको प्रकृति के जो तत्व है उनको एक मानव के रूप में ही प्रदर्शित कर देना, उनको मानवीय संज्ञा दे देना, वो मानवीयकरण है। तो आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, यह प्रकृति का मानवीयकरण ही है। आगे लिखें, जिसमें से छायावाद का जन्म हुआ, कवि के लिए तो प्रकृति में प्राण ही प्राण है, वह प्रकृति से प्रश्न करता है और प्रकृति उसे उत्तर देती है। इस कविता का मूल भाव भी यही है कि प्रकृति के रूप को देखकर कवि की कौतूहल वृत्ति जाग उठती है, मतलब जिज्ञासा वृत्ति जाग उठती है। यह कौतूहल ही इस कविता का प्राण है। लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए आप इसमें, ज्योत्सना का सौंदर्य। ज्योत्सना, ज्योत्सना का सौंदर्य, इसमें लिखे नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो इसमें लिखे कवि को यह भी आश्चर्य है कि किरणों के सहारे, कवि को यह भी आश्चर्य है कि किरणों के सहारे मनोवांछित स्वरूप धारण करने वाले बादल रात को मानो धरती पर उतर आते हैं, वे नई नई सुकुमार कलियों का मुख चूमकर उन्हें विकसित कर रहे हैं, वे नई नई सुकुमार कलियों का मुख चूमकर उन्हें विकसित कर रहे हैं। प्रथम रश्मि के आने से पूर्व ज्योत्सना के सौंदर्य में कलियों पर ओस रश्मि बिंदु पड़कर उन्हें विकसित कर रहे हैं। यह सभी पक्षियों के प्राकृतिक ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। तो ज्योत्सना का सौंदर्य जो है वो बतला है यहाँ पर कवि ने कि किस प्रकार से बादल रात को अपनी धरती पर उतर आते हैं और नई सुकुमार कलियों का मुख चूम रहे हैं, मतलब जब ओस की बूंदे जब जो गिरती है पृथ्वी पर या फूलों के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ये जो बादल है इस पर ये उतर आए हैं धरती पर, और वो ज्योत्सना जो है उन सुकुमार कलियों की मुख को चूम रहे हैं।
साथ ही पक्षियों का प्राकृतिक ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। अब आगे लिखिए, पोक कटने से पूर्व का कृषि। पोक कटती आपने सुना ही होगा, देखा होगा सुबह की जब पोक कटती है, मतलब ना तो अंधेरा है और ना ही सही रूप से प्रकाश है। वो जो स्थिति है जब पोक कटती है उसका दृश्य, तो को फटने से पूर्व का दृश्य, उससे पहले का दृश्य कवि ने यहाँ पर बताया है और उसके बारे में क्या विचार स्पष्ट किया है। देखिए, प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना, इसमें डैश करके लिखे, प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना पक्षियों को कौन देता है कि चहचहाना आरंभ कर देते हैं या आरंभ कर देते हैं। ये बात अपने शुरू में पढ़ती और पढ़ी थी और कभी कभी ये विचार है कि जब पृथ्वी पर प्रथम रश्मि का आगमन होता है तो उनको कौन सूचित करता है पक्षियों को कि वो चहचहाने लगते हैं। और हम भी, आपको पता है, जब हमारे कानों में भी आवाज मिलती है पक्षियों की चहचहाट की सुबह की, तो हमें लगता है कि हाँ सुबह हो गई। कवि ने को फटने से पूर्व प्रकाश डैश अंधेरे के अनुपम चित्र अंकित किए। प्रथम रश्मि के आगमन की भूमिका जब तैयार होती है तो तारे मंद पड़ जाते हैं, तारों का जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है या मंद हो जाता है, कम हो जाता है। वृक्ष के पत्तों में खामोशी छा जाती है, रात के अंतिम प्रहर में स्वप्न अपनी मधुर छाप छोड़ते रहते हैं। ऐसे संधि काल को भी ये विहंग पहचान लेते हैं। विहंग का मतलब पक्षी। और भोर होने से पर्याप्त पहले ही उनका मधुर कलरव चहचहाना प्रारंभ हो जाता है। अब नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, चेतन जगत पर प्रभाव। चेतन जगत पर प्रभाव, इसमें लिखे हैं, रात्रि के समय अंधेरे के कारण अनेक आकार उभरते हैं और ऐसा लगता है मानो ये अंधेरे के दूर कुछ जादू टोना कर रहे हैं। दोबारा देखिए, सुन लीजिए इस लाइन को, रात्रि के समय अंधेरे के कारण अनेक आकार उभरते हैं और ऐसा लगता है मानो ये अंधेरे के दूर कुछ दानव टोना कर रहे हैं। रात्रि के पिछले प्रहर में चांद अस्त होने को होता है, भोरा कमल के फूल में बंद रहता है और चकवा पक्षी, एक पक्षी का नाम है चकवा पक्षी अपनी प्रिया के विरह में शोकग्रस्त रहता है। जब सभी इंद्रियां सुप्तावस्था में मूर्छित सी हो जाती है, अंधकार के कारण सभी जड़ चेतन अपना आकार खो देते हैं, विश्व की श्वास भर चलकर
उनकी चेतना का आभास देती है, ऐसे मूर्छना के परिवेश, मूर्छना मतलब बेहोश, ऐसे मूर्छना के परिवेश में भी पक्षीगण अपने काल यापन के संज्ञान को समझते हैं। पक्षीगण अपने काल यापन के संज्ञान को समझते हैं। नेक्स्ट लिखें, जागृति में पक्षियों का योगदान। नेक्स्ट पॉइंट, जागृति में पक्षियों का योगदान। इसमें लिखें, जब प्रथम रश्मि का आगमन होता है तो पक्षीगण अपने कलरव से समस्त संसार को जागृत कर देते हैं। वे प्रथम रश्मि के स्वागत में अपना संगीत छेड़ देते हैं। यही नहीं, वे जागरण गीत गा गा कर सबको जगाते हैं। आपको पता है कि जैसे ही सवेरा होता है और सवेरे को फटने से पहले पक्षी जो है चहचहाने लगते हैं और उस प्रथम रश्मि का स्वागत करते हैं और सभी को संबोधित करते हुए वो बतलाते हैं कि अब प्रथम रश्मि का आगमन हो रहा है और सबको उस अपने संगीत से सबको जागृत करते। आगे देखें, उनकी चहचहाहट के साथ ही प्रकाश का आगमन होता है जिससे सृष्टि में सर्वत्र समृद्धि कौमा सुख और सुगंध का वितान सा तन जाता है। लास्ट अंतिम पॉइंट लिखें, प्रभातकालीन सौंदर्य। प्रभातकालीन सौंदर्य, इसमें लिखें, पंत जी ने इस कविता में प्रभातकाल में संपूर्ण सृष्टि में आच्छादित सौंदर्य को अंकित किया है। प्रथम रश्मि के आने के साथ ही सोया हुआ पवन प्रभावान हो उठता है। दोबारा से सुन लीजिए, प्रथम रश्मि के आने के साथ ही सोया हुआ पवन प्रवाहमान हो उठता है, मतलब वो भी चलने लग जाता है, तेज गति से चलने लग जाता है। पुष्पों के ऊपर ओस बिंदुओं की मोती खिल उठते हैं। सर्वत्र प्रथम रश्मि का स्वर्णिम प्रकाश फैल जाता है। सुगंध का प्रसार होता है। भोरे कलियों पर मंडराने लगते हैं और समस्त संसार में गतिशीलता व्याप्त हो जाती है। आगे लिखे, ऐसी ही होती है प्रथम रश्मि जो अपने आगमन के साथ विश्व को क्रियाशील बनाती है। सूर्य से मंडित करती है
इसके आगमन की सूचना पक्षी अपनी चहचहाट से देते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन प्रथम रश्मि का, जो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको लिखवाया है। आप इसको पढ़ोगे तो निसंदेह आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई शब्द या कोई वाक्य आपको समझ में नहीं आया है तो बिना संकोच किए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे वो चीज पूछ सकते हैं, जो भी हिस्सा है या जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आया वो अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो निश्चित रूप से होगा। इसी आशा के साथ आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और वापस मैं यही चीज़ दोहराता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी पढ़ाई बिना रुके हुए अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ रही है। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।